हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं लेके आई हूँ आलू से और गेहूं के आटे से इतना टेस्टी नाश्ता कि बच्चे तो क्या बड़ों को भी इतना पसंद आएगा कि बार बार इसी की वो डिमांड करेंगे। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने 2 कप गेहूं का आटा लिया है, इसको हमने अच्छे से छान लिया था। इसके बाद इसे बाउल में डाल देंगे। अब 2 चम्मच डालेंगे हम इसमें सूजी। इससे नाश्ता बहुत ही क्रिस्पी और खस्ता बनकर तैयार होगा। स्वाद अनुसार इसमें डालेंगे हम नमक। 1 चम्मच डालेंगे इसमें सफ़ेद तिल, इससे भी इसका स्वाद बहुत ही बढ़ चढ़कर आएगा। 2 छोटे चम्मच डालेंगे इसमें तेल। अब इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब डालेंगे इसमें थोड़ा थोड़ा पानी। पानी डालकर इसका हमें एक टाइट डो तैयार कर लेना है। आप चाहें तो यहाँ पे गेहूं के आटे की जगह मैदे का भी यूज़ कर सकते हो, उससे भी ये नाश्ता बहुत ही बढ़िया लगता है। पर गेहूं के आटे से ये नाश्ता बहुत ही हेल्थी हो जाता है। तो आटे में हमने थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक डो तैयार कर लिया है और अब इसे हम थोड़ी सी देर रेस्ट पर रख देंगे। तब तक यहाँ पर हमने लिए हैं 3 उबले हुए आलू। इन आलू को हमें एक बड़े से बाउल में डाल देना है और इस तरीके से हम चम्मच से इसे मैश कर लेंगे। आप चाहें तो इसे मैशर से मैश कर सकते हो, लेकिन चम्मच से भी आसानी से मैश हो जाते हैं। अब 1/2 चम्मच डालेंगे इसमें नमक। 1 चम्मच भर के हमने हरी मिर्ची, लहसुन और अदरक को दरदरा कूट के इसमें डाल दिया है। 1/2 चम्मच डालेंगे इसमें चाट मसाला। 1/2 चम्मच डालेंगे इसमें भुने जीरे का पाउडर और 1/2 चम्मच डालेंगे हल्दी पाउडर। 1/2 चम्मच डालेंगे हम इसमें लाल मिर्ची पाउडर। आप चाहें तो यहाँ पे कूटी हुई सूखी लाल मिर्ची भी डाल सकते हो। बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे और इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिला देना है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो देखिए, इस तरीके से हमने इसे मिक्स कर लिया है। अब हाथों में थोड़ा सा तेल लगा लेंगे और इसका मिक्सचर हाथों में लेकर हल्के हाथों से इसे गोल गोल रोल बनाकर तैयार कर लेंगे। तो छोटा रोल बनाएंगे, ये देखिए इस तरीके से इसे रख देंगे हम एक प्लेट में और इसी तरीके से हम बाकी के रोल को भी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने इतने ही रोल बनाए हैं, बाकी के हम रोल बाद में बनाएंगे। तो यहाँ पे हम आटे को ले लेंगे और इस तरीके से सूखे आटे को हम चॉपिंग बोर्ड के ऊपर डस्ट कर लेंगे और जो गूंथा हुआ आटा है इसका एक बड़ा सा पेड़ा बना लेंगे और अब इसे हम बेलेंगे। तो यहाँ पे हमें इसकी एक मोटी सी रोटी बनाकर तैयार कर लेनी है। अब रोटी के जो एक्स्ट्रा पार्ट हैं उसको हम कट कर लेंगे, यानी हमें इसे चौकोर शेप में कट करेंगे। रोटी के एक्स्ट्रा जो पार्ट है उसको हम निकाल लेंगे और इसकी हमें लंबी लंबी पट्टियाँ काट लेनी है। तो ये देखिए, इस तरीके से हमने 3 पट्टी काट ली हैं। अब जो आलू का रोल बनाया था उसमें से एक रोल ले लेंगे। आलू के रोल को हमें जो गेहूं के आटे की पट्टी बनाई थी उसके ऊपर रख देंगे, लेकिन किनारों के ऊपर हमें नहीं रखना है, इससे थोड़ा सा हमें आगे ही रखना है ताकि ये हल्का सा फोल्ड हो जाए। ये देखिए, और हल्के हाथों से इसे घुमा लेंगे और इसके बाद चाकू से थोड़ा सा दूर हमें इसे कट कर लेना है। ये देखिए, इस तरीके से हमें इसे कट कर लेना है। अगर आलू की फिलिंग बाहर निकल गई है तो इसे हमें हल्के हाथों से अंदर की तरफ दबा लेना है और बाकी के जो ये किनारे हैं इसके ऊपर हम पानी लगा लेंगे। तो दोनों किनारों पे हमें पानी लगा लेना है और आपस में इसको हमें चिपका लेना है। तो हल्के हाथों से इसे दबाते हुए चिपका लेंगे ताकि आलू का जो मसाला है वो बाहर ना निकले, और हल्के हाथों से इसे फिर से हमें रोल कर लेना है। और ये देखिए, इस तरीके से ये एक रोल बनकर तैयार हो जाता है। बहुत ही आसान तरीके से इसे बनाकर तैयार किया है। तो अब हम दूसरा रोल भी इसी तरीके से एक बार और बनाना बताएंगे। तो आलू के रोल को हमें इस पट्टी के ऊपर रखना है, थोड़ा सा आगे रखेंगे, और जो गेहूं के आटे की पट्टी है इसको हमें हल्के हाथों से इस तरीके से घुमाकर रोल बना लेना है। अब आटे के किनारे के ऊपर हमें पानी लगाकर इसे चिपका लेना है और हल्के हाथों से इसे घुमाकर इसके रोल बनाकर तैयार कर लेना है।
तो बहुत ही आसान है इसे बनाना। और ये देखिए इस तरीके से दूसरा रोल भी बनकर तैयार हो जाता है, इसे आप रोल समोसा भी बोल सकते हो। तो इस तरीके से हमने सारे रोल बनाकर तैयार कर लिए हैं, अब इसे हमें फ्राई कर लेना है। अगर आप समोसे के हिसाब से बना रहे हैं तो इसमें आप थोड़े से मटर और थोड़ा सा गरम मसाला ज़रूर डालिए। अब यहाँ पे हमने एक पैन ले लिया है, इसमें डालेंगे हम 2 बड़े चम्मच तेल। तो यहाँ पे हम तेल बहुत ही कम यूज़ करेंगे और जैसे ही तेल हल्का सा गर्म हो जाए इसमें डालेंगे हम रोल को और इसे हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है। आप चाहें तो इन रोल को डीप फ्राई भी कर सकते हो। तो जैसे ही नीचे से ही हल्के से फ्राई हो जाए इसको हम पलट लेंगे। तो दोनों तरफ से इसे घुमाते हुए फ्राई कर लेना है और तब तक करना है जब तक कि ये सुनहरे ना हो जाए। इन रोल को हमें लो टू मीडियम फ्लेम में ही फ्राई करना है ताकि जो आलू का मसाला है वो भी अंदर तक अच्छे से पक जाए। और ये देखिए बस इसी तरीके से रोल का कलर आना चाहिए, यानी ये बहुत ही बढ़िया गोल्डन फ्राई हो चुके हैं। इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और बाकी के जो रोल बचे थे उसको भी हम तेल में डालकर सुनहरा होने तक फ्राई करके निकाल लेंगे। तो सारे रोल को हमने इसी तरीके से फ्राई कर लिया है और ये देखिए कितने बढ़िया ये रोल बनकर तैयार हो जाते हैं। इन रोल को आप छोटे छोटे पीसों में भी कट कर सकते हो। ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी हैं और अंदर से ये बहुत ही सॉफ्ट हैं। जब हमने इसे फ्राई किया तो आलू का मसाला अंदर तक अच्छे से पक जाता है। ये देखिए कितना बढ़िया ये रोल बनकर तैयार हुआ है। तो इस तरीके से आप बच्चों को आलू से और गेहूं के आटे से बहुत ही बढ़िया नाश्ता बनाकर दे सकते हो। यकीन मानिए वो बहुत ही पसंद करेंगे। तो एक बार आप भी इस नाश्ते को ट्राई कीजिए।